नमस्कार साथियों, आज मैं अपने निज निवास कहा जाए गांव में सूरा गांव में मैं पधारा हूँ। एक ये प्राचीन मंदिर है सूरा हनुमान जी की। तो हमारे गांव के वरिष्ठ व्यक्तित्व से हम जानेंगे यहाँ के मंदिर के बारे में और ये लोग समाज और राष्ट्र को क्या संदेश देना चाहते हैं। इसके साथ पहले परिचय से शुरुआत हो जाए। आप आदरणीय नाम जिसमें देश में है ग्राम सूरा पोस्ट सूरा में ही सूरा गांव का रहने वाला हूँ। क्या करते हैं आप खेती किसानी? हाँ, खेती किसानी करते हैं। आप श्री मोतीलाल पाठक ग्राम सूरा पूर्व शिक्षक इसी गांव के निवासी हैं। आदरणीय मौली प्रसाद द्विवेदी इसी गाँव का निवासी हूँ। सेवानिवृत्त शिक्षक, जन सेवा में लगा रहता हूँ। जिस किसी को जो हमारी सेवा की आवश्यकता होती है उसके साथ सदैव उपस्थित रहने का प्रयास करता हूँ। एक प्रकार से समाज से भी टाइप समाज मन में भाव रहता है। हाँ, ये हाँ। तो आप आदरणीय हरिप्रकाश शर्मा ग्राम सूरा पोस्ट सूरा जिला रीवा मध्य प्रदेश। मैं भी शिक्षक था और इस समय हनुमान जी की सेवा में उपस्थित हूँ। यहाँ पिछले 10 वर्षों से यहाँ ये कार्यक्रम होता है। हर अंग्रेजी महीने के पहले मंगलवार को यहाँ भंडारा और सुंदरकांड का पाठ होता है। पिछले 10 वर्षों से उसी में आता हूँ और ये हर संभव जो कुछ हो सकता है सहयोग उसमें और सब ध्यान से और मन से यहाँ रहा करता हूँ और उसी समय जो कार्यक्रम होता है। आदरणीय का परिचय? माय नेम इज बीएल पांडे, ग्राम नोंदवार पोस्ट पड़रा जिला रीवा मध्य प्रदेश। मैं रिटायर्ड वैष्णव स्कूल से हूँ। मैं काफ़ी दिनों से यहाँ पर ये जानकर मुझे वो हो रहा है कि यहाँ मंदिर में भंडारा होता है, सुंदरकांड का पाठ होता है। तो कई बार मैं इसमें पहले भी आ चुका हूँ और अभी भी यहाँ कहीं भी
इसका रामायण का पाठ होता है, हम उसमें संलग्न रहते हैं और हनुमान जी से बिल्कुल व्यक्तित्व है, कोई भी धार्मिक कार्य उसमें हम जुड़ने के लिए देगा। जैसे ये अभी हम लोग भंडारा में भोजन लिए, प्रसाद लिए, तो ये कब से चल रहा है और इसकी कैसी नींव रखी गई है? आप बताएं ये पिछले 10 वर्षों से बैठिए और ये आदरणीय जो हमारे ये हैं, क्या नाम है, डॉक्टर अशोक प्रिया जी, जी जो प्राध्यापक हैं मणिकुमार कॉलेज में, जी वो बताएंगे विस्तार से। और ये सब इन्हीं लोगों के साथ में पिछले लगभग 10 वर्षों से है। अच्छा, नहीं 2011 बीच में कोरोना आ गया था, कोरोना की वजह से 2 साल के लिए बंद हुआ। अच्छा, 11 साल तो 2011 से तो 24 है, तो हो ही नहीं गया 10 साल। हाँ, ये 74वां या 76वां भंडारा है, 76वां भंडारा जो चल रहा है। आज पैसा क्या है आपका, क्या करते हैं, कहाँ आपका निज निवास? मैं डॉक्टर अशोक कुमार पुड़िया और मनगवा के पास मदहा गांव है, मूलतः निवासी मैं बदवार का हूँ, मेरी जन्मभूमि बदवार रही है, शिक्षा की भूम बेला एक गांव है, दुआरी बेला इटार, वहाँ से मैंने पढ़ाई करी, फिर उसके बाद यहाँ आया, 12वीं हायर सेकेंडरी मनगवा से करा और एमए पीएचडी टीआरएस कॉलेज से करा, उसके बाद कॉलेज में अपॉइंटमेंट हो गया प्राइवेट कॉलेज में, मणिकुमार कॉलेज में, वहीं पर पदस्थ हुआ। मैं रीवा में बच्चों को पढ़ाता रहा, तो मेरी आस्था प्रभु के यहाँ साल में नया साल मनाने जाने की थी, वहाँ जाता रहा। वहाँ से जब मैं आया गांव में, मैं पहला ऐसा व्यक्ति हूं जो शहर से गांव की ओर लौटूं, मैं गांव को चुना, वहां ज़मीन भी नहीं खरीदी और मैंने बेटे को एमबीए दिल्ली से जयपुर से कराया। मैं पहला ऐसा व्यक्ति हूं कि जिसने नौकरी को छोड़ करके लड़के को बुला लिया कि आओ तुम मेरे साथ, मेरा साथ दो, और वो आज बिजनेस कर रहा है मेरे साथ में, कंधे से कंधा, मेरा विद्यालय भी चल रहा है, बारात घर भी बन गया है और दुकान भी। विद्यालय कहाँ चल रहा है? साईं मंदिर के पास, मंगवई में। क्या वहाँ शिक्षा का क्या वो है? शिक्षा का भी तो हमने किराया दे दिया, चूंकि मैं कॉलेज में प्रोफेसर हूँ और वो बिजनेस माइंडेड था, तो उसने हार्डवेयर का दुकान कर लिया। अच्छा। जो स्कूल चल रहा है, विद्यालय बना है, वो किराया दे दिया है, चूंकि मेरी बहू पीएचडी है, एमबीए है, वो अभी बच्चे को पढ़ा रही है, विगत अगले दो तीन वर्षों के बाद हम लोग शुरुआत करवाएंगे और जो है तो बहू संचालन करेगी, बेटा संचालन करेगा, या और जो भी हम बाहर के बुला रहे हैं या कर्मचारी बाहर से बुला करके अच्छी तालीम देंगे, क्योंकि हमने 96 में संस्था खोल रखी थी, होली चाइल्ड पब्लिक स्कूल, जब यहाँ पर कोई संस्था प्राइवेट नहीं थी, तब हमने चलाई थी होली चाइल्ड पब्लिक, और बहुत उसका नाम चला अभी था। आप यहाँ एक वो रामकथा भी करवाए आदरणीय जी? बिल्कुल बिल्कुल, रामकथा ये अकेले विगत हमारे ये जो शर्मा जी हैं और आप सब लोग यहाँ पर बैठे हैं, पाठक जी, आप सब लोग में ये बड़ा डिवोटी है और मुझे बड़ा उत्साहवर्धन दिया, आप सब लोगों की वजह से ये हो रहा है, कोई ये व्यक्ति विशेष का नहीं है, ये सिर्फ हनुमान जी का कार्यक्रम है। और मेरी श्रद्धा यहाँ से इसलिए जुड़ी कि चूँकि मैं एक गाँव का ठाकुर था, हमारे पछीत में हरिजन बसे थे, मैं बड़ा कभी किसी के यहाँ जाता नहीं था, ना हमारे पिताजी जाते थे, मैंने जाता था, बिल्कुल एक ठकुर इसी जैसी जी। तो कभी गया नहीं, तो मुझे ये लगे कि ये ब्राह्मण बाहुल में कैसे ब्राह्मणों के यहाँ मैं जाऊँ, ब्राह्मण से जुड़ूँ और ब्राह्मण लोगों के साथ मेरा प्रेम व्यवहार हो। क्योंकि कॉलेज तक मैं गया, फिर संघर्षशील रहा, 4-4, 5-5 ट्यूबवेल करवाए, 100 एकड़ के आसपास ज़मीन थी, बहुत मेहनत की, अपने जीवन में इतना कोई मेहनत नहीं कर सकता, और अभी भी मैं कर रहा हूँ, लेकिन अब तरीका थोड़ा सा बदल गया है उम्र के हिसाब से, अब मानसिक शारीरिक भले न कर पाऊँ लेकिन मानसिक रूप से करता हूँ, अभी भी काफ़ी भाग दौड़ है, सुबह मैं 4:30-5 बजे उठ जाता हूँ और आस्था के साथ प्रभु का नाम लेकर के पहले गऊओं की सेवा और उसके बाद फिर पूजा के बाद अपना पूरा एक टाइम टेबल चार्ट, बुढ़ापे की रंगीनियत, बुढ़ापे की मस्ती, कहीं किसी से नहीं जाना, अपना गीता पाठ, अपना बांसुरी वादन, जैसा ये कह रहे थे, अपनी मस्ती में जीना, क्योंकि क्या है कि समाज के पास हम जाएंगे तो एक दूसरे की बुराई ही बताते हैं, तो मैं उस समाज से नहीं जुड़ा। पहले से और अब में क्या अनुभव आप कर रहे हैं, जब पहले आप इस विधा से नहीं जुड़े थे, अपने कामों में व्यस्त रहते थे, अब जब आज 10 वर्षों से आप जुड़ गए हैं, तो पहले से और अब में आपके अंदर क्या बदलाव? कर्म करता था लेकिन कर्म को मैंने पूजा नहीं माना, अब जो कर्म करता हूँ वो कर्म मेरी पूजा हो गया है और मैं सब प्रभु को समर्पित करता हूँ, अच्छा हो रहा है तो भी अच्छा और जो अगर बुरा हो जाए तो भी प्रभु को ही समर्पित। तो अब माने ये है कि जो जीवन का एक फलसफा है वो बिल्कुल बड़े समगत से चल रहा है लाइफ, और वो इतनी तरीके से चल रहे हैं, अगर प्रभु को आप समर्पित हो गए
मनसा वाचा कर्मणा से। पहले हम मन समर्पित नहीं करते, हम कर्म तो करते हैं लेकिन हमारा मन घूमता रहता है। अगर मैं मन से समर्पित हो जाऊंगा प्रभु का, तो ये एक डोंगरे जी महाराज जो बहुत बड़े कथाकार थे, उन्होंने कहा था अपनी कथा में कि तुम अगर 3 घंटे मेरे लिए समय दो, मैं तुम्हारी 24 घंटे निगरानी करूंगा। वो मैंने बाकी पकड़ा, 3 घंटे समय दो, मैं 24 घंटे निगरानी करूंगा। वो जो 3 घंटे का समय मैं प्रभु के लिए देने लगा, और आप यकीन नहीं करोगे कि मेरा सब काम प्रभु की कृपा से हो रहा है। अच्छा, जब पहला कार्यक्रम आपका यहाँ हुआ जी, तो क्षेत्र को लेकर और यहाँ के लोग वाक के भी जो विचार से कनेक्ट हुए, अरे पहले तो ये पाठक जी जोड़ करके शर्मा जी सबसे जुड़ शुरुआत में वो आए थे, पाठक जी आए थे, मोतीलाल जी पाठक, और उनके बाद फिर हरिप्रकाश शर्मा जी, फिर ये बाबूलाल सिंह जी, और जवाहर जी जो हैं वो कंधे से कंधा मिला करके चल रहे हैं, एक और एक 11 हो रहे हैं। जवाहरलाल तिवारी जी दुनिया में टीचर हैं, 200-300 आदमी भोजन देते हैं, और सब लोग डिवोटी कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि मैं किसी को ये न दिमाग से फील कर ले कि कहीं मेरा वो हो रहा है, कर रहे, लेकिन कोई जो आगे मेहनत करता है तो उसका भी नाम लिया जाता है, क्योंकि वो मेरे साथ कंधे से कंधा मिला कर चल रहे हैं। लेकिन पाठक जी भी यहाँ गाँव के लोगों को जोड़ा, समाज को जोड़ा, चर्चा के विषय। और मैं ये चाहता हूँ कि जिस तरीके से मुसलमान अपने यहाँ हर हफ्ते में जाता है, एक एक बच्चा और एक एक सियाना जाता है, क्रिश्चियंस जाता है, ठीक उसी तरीके से हम लोग भी महीने में कम से कम एक दिन ब्राह्मण वर्ग इकट्ठा हो जाए। लेकिन अफसोस की बात यह है कि आज भी ब्राह्मण के अंदर पता नहीं कौन सा ईगो भरा हुआ है, कि वो इकट्ठा होने के लिए उनके पास समय नहीं है। पंचायत बचाने के लिए समय है, क्षमा करेंगे आप भी, और बिल्कुल सच बात कर रहा हूँ, भगवान के सामने पंचायत करने के लिए समय, सब कुछ करने के लिए समय है, लेकिन भगवान को समय देने के लिए समय नहीं। एक दिन भी अगर वो चाहें तो 24 घंटा पहले भी अपने काम को निपटा करके एक दिन का समय बना सकते हैं। आपसे होता है जब आप लोग जैसे वरिष्ठ व्यक्ति तो समाज में आगे आएंगे तो जरूर एक समाज में